Hey guys, welcome back to our YouTube channel Steps and Trades. Hello guys and welcome. आज हम लोग थिम्पू में आज हम लोग थिम्पू एक्सप्लोर करेंगे, साइट सीन करेंगे. यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे यहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिस, फिर हम लोग को बाद में जाना है पुनाखा, और पुनाखा के लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है थिम्पू के ऑफिस से, थिम्पू इमिग्रेशन ऑफिस से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाएंगे वहाँ पर हम लोग कुछ फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करके साइन अप करके हम लोग उनको दे देंगे. देन विल गेट द परमिशन आफ्टर 2 आवर्स. हम लोग पहुँच चुके हैं इमिग्रेशन ऑफिस फॉर परमिट. पुनाखा के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है यहाँ से. तो बेसिकली ये है इमिग्रेशन ऑफिस थिम्पू में. काफ़ी ज़्यादा लंबी थी लाइन. मैं पहुंच चुका हूं दुनिया की सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्ति देखने. इसे बुद्धा डोरडेमा भी कहते हैं. इसकी हाइट लगभग 54.5 मीटर है. थिम्पू सिटी से इसकी दूरी बस 5 किलोमीटर है. मॉनेस्ट्री के अंदर सेंटर में 5 बुद्धा की मूर्ति बनी हुई है और बीच में एक बुद्धा सीटिंग है जिनके 4 फेसेस हैं. और पूरे मॉनेस्ट्री में बुद्धा की बहुत सारी मूर्तियां रखी हुई हैं. सिंपली भूटान में आपको भूटान के ट्रेडिशंस के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए गाइस. भूटान गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं तो उनके जो ऑफिसेस हैं यही पे थिम्पू में. पारो एंड पुनाखा में कोई भी ऑफिसेस नहीं है. तो थिम्पू में आपको बहुत सारे ऑफिसेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज मिल जाएंगे. इवन आईटी कंपनीज भी थिम्पू में ज़्यादा है. हालांकि हम लोगों ने बहुत कुछ कम देखा. मतलब आई एम वॉकिंग अराउंड थिम्पू. सिंपली भूटान देखने के बाद मैं पहुंच चुका हूँ भूटनीस खाना खाने. हालांकि भूटान में सॉर्टरी नहीं होती है बट आपको हर तरह का मीट यहाँ पर मिल जाता है. ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जोरिक चूसम. जोरिक चूसम का मतलब होता है 13 ग्राम्स. यहाँ पे स्टूडेंट्स को 13 डिफरेंट स्किल्स सिखाए जाते हैं और यहाँ से स्टूडेंट से बनाए हुए क्राफ्ट्स आप खरीदी कर सकते हैं. Thank you.
हम लोग जाएंगे, पहले हम लोग चेकआउट करेंगे यहाँ पर, हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, भूख तो लगी है जोर से, शायद वो भी खा लेंगे थोड़ा सा। थिम्पू में जीप में सूट्स करके हम लोगों ने बुक किया था। यहाँ पर आराम से बैठ के हम लोग टीवी देख सकते हैं। किचन, किचन एरिया, लोग मैगी बाकी का कुछ भी बना सकते हैं गाइस। वाह अच्छा मिला है। और बेड, ये लो बेड है, दिस इज व्यू फ्रॉम गाइस वेयर वी आर शाइनिंग राइट नाउ, दिस इज अ पापेसा। शाम होते होते थिम्पू सिटी का माहौल अलग हो गया। मुझे चांस मिला है यहाँ का ट्रेडिशनल डांस सीखने का। आ चुके अभी थिम्पू टाउन, इट इज अ हैपनिंग प्लेस, बहुत कुछ हैपनिंग हो रहा है। हम लोगों ने वहीं पे मतलब थोड़ा दूर ही हम लोगों ने डांस वांस सीखा था। दिस इज लाइक वन ऑफ द हैपनिंग प्लेस। दिन भर घूमने के बाद मुझे लगी है जोर से भूख, मैं जा रहा हूँ इंडियन खाना खाने। कल हम लोग मिलेंगे ढोचुला पास में, मैं आपको बताऊंगा ढोचुला पास की कहानी। तब तक के लिए गुड नाइट एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।